हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि क्रिप्टो में एक बहुत बड़ा नुकसान कर चुके हैं और अब इस तलाश में है कि यार हमें कोई चंद ऐसे ऑल्टकॉइंस मिल जाएं कि जहां पे हम दोबारा से छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करें और हमें वहां से एक मोटा तगड़ा प्रॉफिट हो, मतलब ये कि हम अपने नुकसान को पूरा कर लें। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में मैं चंद ऐसे ही ऑल्टकॉइंस शेयर करने वाला हूँ, मगर इस शर्त के साथ में कि यार कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो एक रिस्की फील्ड है। मगर जो चीज़ मैं ख़ुद के लिए बाय करने वाला हूँ, वही तमाम चीज़ें आप लोगों को भी बताने वाला हूँ। मगर उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में बिटकॉइन की एक अपडेट शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक्टिव रहते हैं, जिसके लिए आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक मिलता है, या फिर सर्च ऑप्शन में लिखें C*512, सी से क्रिप्टो बनता है, C*512 लिखेंगे मेरे चैनल पर आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को यार बिटकॉइन के हवाले से बताया था कि भाई बिटकॉइन जो है 44,700 से अबव क्लोजिंग नहीं दे सकता है, और उसके बाद में हम यहाँ पे थोड़ा सा उतार देख सकते हैं, मतलब गिरावट देख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं आज की, तो बिटकॉइन ने कल की डेट में हमें जो अपना एक हाई था वो लगाया है 45,800 के करीब, और इसका क्लोजिंग हुआ था 45,000 पे। आज एक नेगेटिव न्यूज़ आई जो कि बिटकॉइन ETF के हवाले से थी, और आज की जो कैंडल है एक रेड कैंडल बनी है। मगर क्या ये रेड कैंडल कोई इतनी बड़ी कैंडल बनी है कि जहाँ पे लोगों को डर जाना चाहिए? ऐसा यार जो रेड कैंडल हमें यहाँ पे भी तो मिला था। कहने का मतलब ये कि क्या आपको लगता है कि बिटकॉइन यहाँ से गिरेगा या फिर यहाँ से पंप हो जाएगा? अगर मुख्तसर बात करूँ तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल मैं गिरने की बात तो नहीं करूँगा कि ये कहाँ तक आ सकता है, मगर हाँ देर सवेर होने के बाद बिटकॉइन कहाँ तक पंप हो सकता है, किन रीजंस की वजह से पंप हो सकता है, हम पहले इस पे बात करते हैं। मेरे पास यहाँ पे है ये वॉचर गुरु, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे एक न्यूज़ है जी, गोल्डमैन सैचेस इन टॉक्स टू बिकम एन ऑथराइज पार्टिसिपेंट फॉर ब्लैक रॉक्स एंड ग्रे स्केल स्पॉट बिटकॉइन ETF। दूसरा, 4.5 ट्रिलियन एसेट मैनेजर फिडेटली फाइल्स रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटीज विद SEC फॉर इट्स स्पॉट बिटकॉइन ETF, और यहाँ पे उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी गई। अब मेरे भाइयों, कहने का क्या मतलब कि ETF अप्रूव होने में देर सवेर हो सकती है, मगर ये एक सिक्योरिटी लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से रिटेलर्स की तरफ से अच्छी खासी लिक्विडिटी इंजेक्ट होती हुई नज़र आएगी। फिर हमारे पास में जो फाइनल न्यूज़ है जिससे कोई भी बंदा यार इनकार नहीं कर सकता है, वो है बिटकॉइन का हॉल्विंग, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 103 दिन या कुछ जगहों पर 104 दिन भी बताया जा रहा है रह चुके हैं। अब इन दोनों खबरों के बाद में बिटकॉइन की प्राइस में हमें एक बहुत बड़ा पंप नज़र आएगा, और उसका असर जो है ऑल्ट कॉइंस के ऊपर भी होने वाला है। मतलब ये कि 10x से लेकर 25x तक का प्रॉफिट कहीं पर भी नहीं गया है। मगर पहले भी बोला गया कि गारंटी नहीं है, जो चीज़ें खुद बाय करने वाला हूँ वही चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो हमारे पास में जो पहला कॉइन है वो है डोज चेन, जिसका 24 आवर्स का वॉल्यूम देखें तो $12,39,000 बनता है। अगर मैं आता हूँ इनके वेबसाइट पर, तो यहाँ भी आपको क्या बताते हैं कि डोज चेन NFTs गेम्स एंड DeFi फॉर डोज कॉइन यूजर्स। दूसरा, यहाँ भी ये बोलते हैं कि डोज चेन बिल्ट बाय डोज कॉइन होल्डर्स। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा और डिटेल्स पढ़ें कि डोज चेन सुपर चार्जिस डोज कॉइन टू ब्रिंग क्रिप्टो एप्लीकेशंस लाइक NFTs गेम्स एंड DeFi टू द डोज कॉइन कम्युनिटी। मतलब ये कि डोज चेन जो है डोज कॉइन कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, जहाँ पे ये NFTs में, गेम्स में एंड DeFi में डोज कॉइन कम्युनिटी को सपोर्ट देते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न कि जब भी डोज कॉइन में हमें पंप मिलता है तो डोज चेन जो है यहाँ पे भी हमें पंप देखने को मिलता है। तो इस वक्त अगर हम देखते हैं कि इसे कहाँ से बाय किया जा सकता है, तो मल्टीपल एक्सचेंजेस आप लोगों के सामने हैं। किसी भी क्रिप्टो को 100% इन्वेस्टमेंट के साथ मत बाय किया करें, 2 से 3 ट्रांजेक्शन में बाय करें, सो दैट आप लोगों का डॉलर कॉस्ट एवरेज जो है वो मेंटेन रहे। फिर मेरे पास में सेकंड प्रोजेक्ट है, ये है स्टार एटलस। स्टार एटलस के हवाले से मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को बहुत बार बोला कि ये टोकन हमें एक मोटा तगड़ा प्रॉफिट देगा, और फिर क्या हुआ कि हमने तकरीबन इस टोकन को यहाँ पर बाय किया था जब ये 0.0014 पर ट्रेड हो रहा था, और फिर इसने हाई लगाया 0.0078, तकरीबन भी कोई 5x के करीब करीब हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला। अब ये टोकन जो है डिप मारने के करीब है, और मैंने इसके लिए अपना जो बाय है वो लगाया है 0.0026 और 0.0034 के करीब करीब। तो स्टार एटलस के लिए अगर आप लोग इसका 24 आवर्स का वॉल्यूम देखते हैं तो $19,82,000 है,
और अगर हम आते हैं इसका मार्केट सेक्शन में, तो ये आप लोगों को रेडियम, बिंग, गेट, बिटकेट जैसी एक्सचेंजेस के ऊपर बहुत आसानी से मिल जाता है। अब हमारे पास में जो एक फाइनल प्रोजेक्ट है जो कि हमें इससे भी अच्छा प्रॉफिट देगा, तो वो है मेरे पास में वीफाई, जो कि आप लोगों को कॉइन गीको पे भी मिलता है, कॉइन मार्केट कैप पे भी मिलता है, MEXC एक्सचेंज पे भी मिलता है और मल्टीपल एक्सचेंजेस पे है। वो मैं आप लोगों से बात करता हूँ, मगर उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। अगर हम इसके ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये टोकन 26 सेंट के करीब करीब एक हाई लगा चुका है और अभी 0.11 मतलब कि एक डिप में आ चुका है जहाँ पे हम इसे बाय कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका 24 आवर्स वॉल्यूम की, तो अभी है फिलहाल $68,000 मगर मार्केट कैप है 17,96,000, मतलब एक लो मार्केट कैप प्रोजेक्ट है। यहाँ पे भी गुंजाइश बाकी है, मतलब ये कि इसकी प्राइस में हम जो चढ़ाव हुआ है वो देख सकते हैं। और मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतना सीरियस क्यों हूँ वो मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, मगर उससे पहले हम आते हैं इसका मार्केट सेक्शन में। तो आप देखोगे क्विक स्वैप, यूनि स्वैप, सिंग स्वैप, डोडो, इस किस्म के एक्सचेंजेस के ऊपर आप लोगों को मिल जाता है, और MEXC एक्सचेंज के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम आ जाते हैं भाइयों इनकी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे ये बताते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये पैकशील्ड से, क्विल ऑडिट से एंड यू नोड से ऑडिटेड है और इंश्योर्ड है। इंश्योर्ड का मतलब ये कि अगर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ हैकिंग हो जाती है तो जितने भी यूज़र्स होंगे उन्हें उनका जो अमाउंट है वो वापस दिया जाता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मेरे ख्याल से ये चीज़ काफ़ी सेफ होती है। दूसरा, वीफाई जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड ओमनी चेन लिवरेज ट्रेडिंग डेफी प्रोटोकॉल है, मतलब ये कि जो वीफाई है ये ट्रेडिंग फीस के लिए एक लोएस्ट फी की ऑफर करता है और लोएस्ट इंटरेस्ट देता है लिवरेज ट्रेडिंग के लिए। कहने का मतलब ये कि सेंट्रलाइज और डीफाई प्रोटोकॉल्स की निस्बत यहाँ पे हमें जो है थोड़ी सी आसानी देखने को मिलती है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि मिड ऑफ दिसंबर में ही इस टोकन ने 2x गेन किया था, मतलब ये कि 0.044 से पंप हुआ था और 0.13 सेंट तक इसने अपना हमें प्रॉफिट दिया था। अगर आप लोगों का वास्ता FTX एक्सचेंज से पड़ा हो या फिर आप लोग BKX एक्सचेंज को जानते हों, हॉटबिट एक्सचेंज से जानते हों, और बहुत सी सेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस हैं ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। अभी पिछले दिनों में ही इंडिया में 9 to 11 एक्सचेंजेस को बैन किया गया है। कहने का मतलब ये कि जितनी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर हमारा पैसा, हमारा क्रिप्टो कभी भी सेफ नहीं रहता, मतलब ये कि आप लोग गारंटी नहीं दे सकते हो। तो अब बहुत से जो लोग हैं लिवरेज ट्रेडिंग के लिए डीफाई की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये जो टोकन है ऑलरेडी MEXC एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है, क्विक स्वैप के ऊपर लिस्ट है, और जनवरी में हम इस टोकन की जो लिस्टिंग है एक और एक्सचेंज के ऊपर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इनका जो प्रोटोकॉल है ऑलरेडी मेन नेट के ऊपर लाइव हो चुका है, 3600 इनके यूज़र्स हैं, 10,000 ये ट्रांजेक्शन्स कर चुका है, और जो भी मैं आप लोगों को ये डेटा बता रहा हूँ ये 2023 तक का ही है। अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ये प्राइस प्रेडिक्शन गेम के हवाले से आपको बताते हैं कि जहाँ पे आप लोग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में रहते हुए प्रिडिक्ट करते हो कि क्या प्राइस पंप होगा या डंप होगा, तो फिर विन करने की सूरत में हमें यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है। इंटीग्रेशन में अगर आप लोग आते हो तो जिन जिन प्रोजेक्ट्स के साथ में, प्लेटफॉर्म्स के साथ में इनका इंटीग्रेशन हुआ है, यहाँ पे आपको स्लाइड की सूरत में वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाती हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि इनके एक डीफाई प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे आपको जो रिवॉर्ड मिलता है उसकी मुकम्मल यहाँ पे आपको डिटेल्स जो है उसकी दी गई हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हमारा जो डीफाई प्रोटोकॉल है वो काम कैसे करता है। स्टेप बाई स्टेप बताया है कि आप पहले लेंड करते हैं, बोरो इन्वेस्ट करते हैं और फिर आप लोगों की सेटलमेंट हो जाती है। द वीफाई इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से यहाँ पे आपको उसकी एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे इन्वेस्टर्स वर्सेस लिवरेज यूज़र्स के हवाले से मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी गई है। लैंड में रहते हुए उसकी आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाती है, बोरो इन्वेस्ट में जो भी परसेंटेजेस होगी वो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर अगर आप लोग एंटर डैप पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आकर आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना होता है। यहाँ पे हमारे पास में पहला ऑप्शन है लैंड एंड अर्न, उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती है। लिवरेज वॉल्ट्स, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। पोर्टफोलियो का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ पे डॉक का ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप वीफाई को स्टेक कर सकते हैं और फिर रिवॉर्ड में आप वीफाई हासिल कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम टेस्टनेट के कुछ प्रोजेक्ट परफॉर्म करते थे एयरड्रॉप के लिए, स्नैपशॉट के ऊपर आकर हमें यहाँ पे वोट करना होता था, उसका यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। ब्रिज का ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, और जो ऑलरेडी मैं आप लोगों से गेम की बात कर चुका हूँ गेम का ऑप्शन दिया गया है,
और फिर अगर हम यहीं पे रहते हुए V5 पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिला था, तो आप लोगों के लिए ये एक यहाँ पे पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे भी आकर हम अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं। अगर मोटी मोटी बात करूँ तो कहने का मतलब ये है कि V5 जो प्रोजेक्ट है एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम के साथ में काम कर रहा है, खुद का DeFi प्रोटोकॉल रखता है और बहुत जल्द ये टोकन हमें एक और बड़ी एक्सचेंज पे नज़र आने वाला है, जिसके बाद में इस टोकन की प्राइस में हम 5x टू 10x तक का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी से MEXC एक्सचेंज के ऊपर आकर बाय करते हो तो आप यहाँ पे उसका करंट प्राइस भी आकर देख सकते हैं और उसे बड़े आसानी से बाय कर सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट अपडेट है बहुत जल्द आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है या इसमें किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है, कोई ऐसी चीज़ जो कि मैं मिस कर चुका हूँ, आप लोग पूछना चाहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।